स्वागत करता हूँ सभी दोस्तों का मेरा चैनल में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे चिकन करी कैसे बनाता है, मतलब चिकन कैसे बनाने से अच्छा लगता है, ये जो बॉयलर चिकन है वो कैसे खाता है, मतलब कैसे खाने से टेस्ट होता है। हम लोग कुछ अलग तरीके से पका के आप लोग को दिखाएंगे, तो दोस्तों आप लोग लास्ट तक देखते हैं। मतलब चिकन करी तो बनाता है सभी को मालूम है कैसे बनाता है, लेकिन कुछ अलग तरीके से बना के दिखाएंगे और खा के भी बहुत मज़ा आएगा। मैं ट्राई किया इसके लिए आप लोग को भी, अब वो वीडियो दिखाएंगे। पहले उसको लाना है, उसको बॉयल करना है, बॉयल करने के बाद दोस्तों आप खा के देखिए कसम से मज़ा आ जाता है। मैं आप लोग को दिखाऊंगा कैसे बॉयल करना है और उसमें क्या क्या मिक्स करना है, मतलब बॉयल करने का टाइम। तो दोस्तों मैं फाइनली चिकन लेके आया, ये आप लोग देख सकता है, इसमें दो लेग पीस है और छोटा छोटा पीस भी काट के दिया है। अभी ये मैं बॉयल करूँगा, बॉयल कैसे करता है वो भी आप लोग को दिखाऊंगा। चिकन मतलब हाँ, ये बॉयलर है और आदमी लोग बोलता है ये खाने में सोयाबीन का जैसे रहता है। आज मैं आप लोग को दिखाऊंगा। अभी मैं इसको कढ़ाई में बॉयल करेंगे, जैसे तीन मिनट जैसे आप लोग देख सकता है। अगर आपका हीट कैसे देंगे, अगर नॉर्मल हीट देंगे थोड़ा थोड़ा देने से 5 मिनट लगेगा। और इसमें क्या क्या डालना पड़ता है वो भी दिखाऊँगा आपको, आप लोग को। उसमें थोड़ा हल्दी और नमक भी डालना पड़ता है दोस्तों। आप लोग एक बार खा के देखिए कितना मस्त आता है। तो दोस्तों पहला ही हिस्से में ये लाइटर से गैस को जलाएंगे। तो ये देख सकते हैं मैंने गैस जला लिया और अभी लेना है एक कढ़ाई, बर्तन लेना है क्या। अब इसमें मैं डालेंगे थोड़ा पानी डालेंगे। तो अभी इसका मात्रा में पानी डालना है। पानी डाल के ये देखिए मैंने चिकन भी डाल दिया। चिकन डालने के बाद इसमें हल्दी और नमक भी डालना है। तो दोस्तों ये देखिए मैंने हाफ चम्मच जैसे इसमें हल्दी डाल रहा हूँ, नमक मतलब उसकी मात्रा में, आप लोग जितना लाएंगे उसके हिसाब से नमक भी डाल दीजिए। चिकन ज़्यादा है तो आप लोग भी एक चम्मच डाल सकते हैं, मैं तो हाफ चम्मच डाला हूँ। तो ये देखिए अब ये मिक्स हो गया। तो दोस्तों अभी 5 मिनट हो गया, 5 मिनट का बाद देखता हुए कैसे हुआ खोल के। हाँ ऐसे बोल रहा है, इसका मतलब हो गया। अभी हम उसको उतारेंगे और ये जो चिकन है उसको पानी से अलग कर देना है। ये हो गया चिकन बॉयल, ये पानी हो गया, पानी को हम फेंक देंगे अभी। तो दोस्तों ये चिकन को पकाने मतलब ये बड़ा होने से एक टुकड़ा होने से भी हो जाएगा, मैं छोटा है इसके लिए मैं 3 टुकड़ा डाल रहा हूँ। और ये लौंग, ये जो देख रहा है ये लौंग है, ये लौंग डालता हूँ 3, और इलायची भी 3 डालेंगे। और इसमें 2 लिया हो टमाटर और 1 लहसुन और 1 काचा मिर्ची और ये देख सकते हैं मैं 2 प्याज लिया हो, 2 प्याज। अभी ये रेडी करके ये चिकन को हम पकाएंगे, देखता हो बॉयलर चिकन कैसे होता है, मतलब ये देसी मुर्गी का जैसा लगता है ऐसे बॉयल करके खाने से। आप लोग एक बार खा के देखिए उसके बाद मेरे को बताइए। तो मैं आप लोग देखिए मिर्ची डाल रहा हूँ मैं, और ये जो डांडा है ना उससे मारेंगे, इसको बोलता है देसी स्टाइल। मतलब आजकल तो ग्राइंडर सिलेंडर है, ये देखिए आदमी लोग उससे भी मिक्स कर देते हैं, लेकिन मैं कुछ अलग तरीके से दिखाएंगे, कुछ हट के उससे मारेंगे मेहनत करके। मैं आदमी लोग बोलता है ना मेहनत का फल मीठा होता है, तो दोस्तों आज मैं खुद मेहनत करके बनाएंगे। वैसे हमारा पास भी है ग्राइंडर, ये देखिए उससे भी हो जाता है, ऐसे होता है, हाँ हाँ जल्दी हो जाता है, इससे भी हो जाता है, पर मैं कुछ अलग तरीके से देसी स्टाइल से बना रहा हूँ मैं। आप लोग देखते रहिए लास्ट तक। इसमें मिर्ची डाला हूँ, अभी इसको पूरा ऐसे मार मार के ऐसे, एक्चुअली देसी जो पाटा रहता है ना सिल्वर टावर रहने से तो मस्त होता है, पर वह हमारा पास है नहीं, हम लोग बाहर आया हो। तो दोस्तों शॉर्टकट होने के लिए मैं इसका साथ वो भी मिक्स कर देता हूँ, ये लहसुन है और बोल रहा हूँ ये लहसुन है, सॉरी ये लहसुन नहीं है, अदरक ये 2 टुकड़ा डालना आप 1 इंची का जैसे, मतलब आपका चिकन के मात्रा हिसाब से, चिकन के हिसाब से आपका कितना है। मतलब मेरा इसमें मैं अकेला खाता हूँ तो इसके लिए 1.5 किलो लेके आया। ये देखिए चिकन, और मैं इसमें अदरक डाला हो 1 इंची जैसे इतना लंबा लंबा 2 पीस, और ये हो गया दालचीनी, आप लोग देख सकता है दालचीनी 2 पीस डाल रहा हूँ मैं। और ये देख रहे हैं आप लोग क्या है, ये लौंग ज़्यादा नहीं डालना, 3 पीस डालना, ये लौंग है, ये अभी मैं इसमें डालेंगे।
और ये लहसुन भी डाल देंगे इसमें। लहसुन लहसुन एक बोटल लिया मैं बड़ा वाला, तो अभी इसमें मिक्स करता हूँ। तो दोस्तों ये मिक्स हो गया पूरी तरह से। इसमें मैं डाला था मिर्ची, लहसुन और दालचीनी और अदरक और लौंग, ये मिक्स हो गया। अभी मैं इसको ये थाली में डालता हूँ। डालने के बाद कैसे होता है आप लोग को दिखाता हूँ मैं। मतलब ये हो गया मिक्स हमारा कुछ इस तरह से। आज का वीडियो मज़ा होने वाला है दोस्तों, आप लोग देखते जाइए। अभी मैं चिकन बनाना स्टार्ट करूँगा, दिखाता हूँ कैसे क्या करना है। तो ये चिकन पकाने के लिए मैं कढ़ाई बैठा दिया, पूरा गर्म हो गया ऑयल। अभी हम इसमें डालेंगे पहला ये पत्ता, इसको तेज पत्ता बोलता है। पत्ता में डाल दिया, पत्ता डाल दिया, ये अजवाइन डाल रहा हूँ थोड़ा। ये आप लोग देख सकते कितना गर्म हुआ, चेक चेक प्याज डाल रहा हूँ। अभी हो रहा है थोड़ा सा मिक्सिंग, इसको मिक्स करना ज़रूरी है, नहीं तो नीचे से पूरा जल जाएगा, क्योंकि आग भी पूरा दे रहा है ना, तो सभी टाइम टू टाइम देना है। तो ये देख सकता है प्याज हो गया थोड़ा थोड़ा फ्राई हो गया। अभी ये डालेंगे वो जो मसाला रखा था, अदरक, लहसुन, मिर्ची, दालचीनी और लौंग, ये डाल देता हूँ। अब इस 3 मिनट जैसे इसमें फ्राई करना है। तो ये देखिए बॉयल हो रहा है, और अभी ये बॉयल हो गया। अभी इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर 1 चम्मच की मात्रा में, ये डाल दिया हल्दी पाउडर। अब इसको मिक्स करना है। और चिल्ली पाउडर कलर के लिए डालता है, पर चिल्ली पाउडर अच्छा नहीं है, पेट के लिए बहुत ख़राब है, मैं चिल्ली पाउडर नहीं डालूँगा। जैसे मिर्ची का पाउडर, सूखा मिर्ची का पाउडर डालने से पेट में बहुत प्रॉब्लम आता है, मैं इसके लिए कच्चा मिर्ची डाल दिया, उस टाइम जो गुड़ा किया था उसमें डाल दिया। और अभी हल्दी डाल दिया। अभी इसमें डालेंगे जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और चिकन मसाला भी डालेंगे। ये मैं डाल रहा हूँ अभी जीरा पाउडर, और ये डाल रहा हूँ धनिया पाउडर। अभी ये देख सकता है कुछ इस तरह से रेडी हो गया। अभी इसमें डालेंगे टमाटर, और टमाटर को ये मसाला के साथ अभी मिक्स करना है। इसमें थोड़ा सा नमक डालना है अभी, क्यों ना टमाटर डाला हो जल्दी बॉयल होने के लिए, अभी थोड़ा नमक डालना ज़रूरी है। थोड़ा नमक डालता हूँ इसमें, चारों तरफ डालना आप लोग, एक ही जगह में नहीं डालना। ये नमक डालने का मतलब यही है, मतलब जल्दी बॉयल होता है। और सब्जी का जो नमक है वो थोड़ा बाद में डालेंगे हम लोग। अब उसको 3 मिनट जैसे बॉयल करना है। और दोस्तों ये है चिकन मसाला, आप लोग देख सकता है, हाँ चिकन मसाला। तो आप लोग ये चिकन डालने का थोड़ा पहले, अभी मेरा टमाटर बॉयल हो गया, चिकन डालने का थोड़ा पहले इसमें डाल देना। तो मैं डाल दिया, अभी इसमें चिकन डालने वाला हूँ। और ये है मेरा चिकन, आप इसमें डालेंगे, ये देखिए लेग पीस भी है और दूसरा भी है। और ये मैं चिकन बॉयल क्यों किया आपको, आप लोग को वो भी दिखाएंगे, मतलब वो भी देखने का टाइम अभी आ रहा है। ये मसाला जो मैं डाला था उसको जितना अच्छा से मिक्स करेगा उतना अच्छा लगेगा खाने में। पहले जो नमक डाला था वो कम डाला था, अभी इसमें एक करी का हिसाब से मैं नमक डालेंगे। ये तो चिकन करी बन रहा है ना, मतलब आप कितना ग्रेवी बनाएंगे इसी हिसाब से नमक डालना। मैं एक और 1 चम्मच डाल दिया, मेरा इसमें जितना चिकन है और कितना मैं ग्रेवी बनाएगा उसी हिसाब से मैं डाला हूँ।
ऐसे उबल रहा है। 3 मिनट जैसे बॉयल होने देना है। अगर कुकर है तो आपको 2 सीटी मारने से भी हो जाता है बॉयल, तो मैं कुकर यूज़ नहीं किया, कढ़ाई में बना रहा हूँ मैं। मतलब तो अच्छा से देखने के लिए, कुकर में अच्छा से दिखाने के लिए मुश्किल होता है, कुछ राउंड होता है ना, कढ़ाई में अच्छा से देख सकता है। और पकाने से भी, मतलब कढ़ाई में पकाने से चिकन अच्छा लगता है खाने के लिए। ऐसे ढक सकता है, मैं ढक दिया 2 मिनट का भात, फिर इसको खोल के देखेंगे। तो दोस्तों अभी ये 2 मिनट हो गया, अभी मैं खोलेंगे, खोल के देखेंगे अंदर क्या हो रहा है। ये देखिए मेरा चिकन फाइनली बॉयल हो गया। अभी मेरे को ग्रेवी कितना चाहिए इसी हिसाब से इसमें पानी डालना है। मैं पानी डाल रहा हूँ, तब ये देख रहा है चिकन पक रहा है दोस्तों। और इसको अभी थोड़ा 3 मिनट के लिए उसको ढक के रखना है, मतलब बॉयल होने के लिए। और अभी पानी डाला मैं, वो भी गर्म हो जाएगा, मसाला सभी मिक्स हो जाएगा ग्रेवी में, और ग्रेवी बन जाएगा, मस्त से ग्रेवी बन जाएगा दोस्तों। ये देख सकता है ये वही पूरा बॉयल हो गया। अभी मैं इसको खोल के देखेंगे, 2 मिनट हो गया, कुछ इस तरह से बना हुआ है, पूरा उबल रहा है। तो ये मेरा चिकन अभी मतलब मैं खा सकता हूँ। उसमें और एक चीज़ डालने के लिए बाकी है, वो है दोस्तों सबसे मस्त धनिया। ये धनिया का भी इसमें डालना है करी में। अभी मैं इसको दोस्तों अभी इसमें मैं धनिया भी डाल दिया, और धनिया का भी बॉयल होने के लिए थोड़ा टाइम जैसे लगेगा। धनिया पे 1 मिनट होने से भी बॉयल हो जाता है। तो दोस्तों ये देखिए मेरा चिकन बन के रेडी, अभी सिर्फ खाना है। ये चिकन देख के देखो खाने का मूड हो रहा है ना। अभी मैं गैस भी बंद कर दिया, ये आप देख सकते हैं पूरा रेडी। ग्रेवी भी मेरे को जितना चाहिए था इतना मैं डाला हूँ। ये देखिए पूरा ग्रेवी बन के रेडी, नॉर्मल है। ये चिकन है, ये लेग पीस है, ये देखिए लेग पीस। तो दोस्तों आप सोचेंगे ये चिकन, ये बॉयलर लेके आके ये बॉयल क्यों किया। बॉयल करने का मतलब ये है, ये आप देखिए मैं जैसे लाया था वैसे ही है, ये लेग पीस है ना, किधर भी आप देख नहीं सकते है, जो टूटा हुआ है एक टुकड़ा ऐसे नहीं है, मैं जैसे लाया था वैसे ही है। ये आप देख सकते हैं, ये भी एक दूसरा लेग पीस है, मैं जैसे लाया वैसे ही है, मतलब टूटा नहीं है। ये आप देख सकते हैं चिकन, अगर आप ये बिना बॉयल करके बनाएंगे ना ऐसे ही, तो ये टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, सिर्फ हड्डियाँ बचेंगे, सिर्फ हड्डियाँ बचेंगे। ऐसा बॉयल आप करके, मैंने जैसा पकाया ऐसे आप खा नहीं सकते, मतलब उसका चिकन अलग हो जाएगा, उसका मांस जो है वो अलग हो जाएगा, उसका हड्डी अलग हो जाएगा। अभी ये देखिए मैं जैसे लाया था ऐसे ही है, मैं जैसे फुल पीस लाया था ऐसे ही है। मैं वैसे भी ट्राई किया, ऐसे भी ट्राई किया, पर मेरे को ऐसा ही अच्छा लगा। अगर आप लोगों को यकीन नहीं होता है तो आप लोग एक बार ट्राई करके देखिए, उसका बाद आप बताइए कैसे लगता है। पर मैंने ट्राई करके यह वीडियो बनाया, क्यों ना बॉयलर बिना बॉयल करके बनाने से ऐसा होता है सोयाबीन का जैसे लगता है, सोयाबीन का जैसे। आप लोग ये बॉयल करके बना के देखो, मस्त लगता है, मतलब देसी मुर्गी का जैसे ही लगता है। खाने में तो थोड़ा डिफरेंस आएगा, लेकिन वैसे ही लगता है, इसका मांस भी थोड़ा टाइट हो जाता है। आप लोग एक बार खा के देखिए। तो अभी मेरा ये बन के रेडी है, आप लोग देख सकते हैं, ग्रेवी भी बनाया मैंने, और अभी मैं ये खाएँगे। तो बॉयल करने का मतलब यही है, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। तो इसमें बीमारी भी नहीं होता है, मतलब बॉयलर में बहुत इंजेक्शन सिंजेक्शन दे के बड़ा बनाता है ना, तो इसमें बॉयल करके बनाने से इसमें बीमारी का भी खतरा नहीं है। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोग को कैसे लगा, अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों और मस्त और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो और मस्त होने वाला है, आप लोग इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को अभी का भी सब्सक्राइब करके रख दीजिए। और ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।